श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा दिखा उत्साह। पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर बड़ी संख्या में महिलाओं और कन्याओं ने लिया भाग। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज विकास खंड और आई के अनमवा मापी ग्राम में जजमान भारद्वाज परिवार के सरोज देवी, जगन्नारायण पांडेय, इच्छा देवी, अभिषेक पांडेय और कुसुम देवी नंदलाल पांडेय के ओर से श्रीमद् महापुराण कथा ज्ञान के उपलक्ष्य में मंगलवार 28 नवंबर को अनमवा मापी में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय के आवास से कलश यात्रा प्रारंभ हुई। पीले वस्त्र पहन व सिर पर कलश धारण कर बड़ी संख्या में महिलाओं और कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। ये कलश यात्रा कथा स्थल से होते हुए ग्राम माता मंदिर पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर नंदलाल पांडेय के आवास पर आकर समाप्त हो गई। कलश यात्रा दिन में 8 बजे निकाली गई। इसमें कुवारी कन्याएं अपने सर पर 108 कलश सर पर रखकर नंदलाल पांडेय के प्रांगण से निकलकर विभिन्न मार्गों से होता हुए चल रही थी। कलश यात्रा में ऊंट, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे एवं भक्ति गीतों के साथ नाचते झूमते हुए श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। कलश यात्रा पुनः श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आकर समाप्त हो गई। कलश यात्रा पहुंचने के बाद हवन पूजन एवं यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। दोपहर 2 बजे से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान का आरंभ किया गया, जो शाम 6 बजे तक चलता रहा। वृंदावन से आए कथा व्यास आचार्य पंडित नरोत्तम शास्त्री द्वारा शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रवि शंकर, रत्नेश, सतीश, आलोक, अतुल, अवनीश, प्रखर, शिवाय, वेद, रुद्रांश एवं समस्त पांडेय परिवार सहित भारी संख्या में ग्रामीण भक्तजन शामिल रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें लाते हैं।